हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तुझे पंडा प्रिया नर्सिंग ऑफिसर। मैं आप लोगों के लिए फिर एक न्यूज लेके आई हूँ जो कि हैज अ बैड न्यूज ही आप लोगों के लिए। सो गाइस, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पीएचडी का वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, जिन लोगों ने एग्जाम दे दिए हैं, और जैसा कि कोर्ट ने अपने हियरिंग टाइम दिया था हमारा, मतलब जो डेट दी थी वो 20 तारीख दी थी सितंबर की, तो 20 तारीख भी जा चुकी है। देन अपडेट आ चुका है कि आगे पीएचडी एग्जाम में क्या होने वाला है। तो गाइस, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ पीएचडी के रिगार्डिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे जो भी आने वाले नए अपडेट्स हैं आप तक पहले पहुँच जाए। सो गाइस, जैसा कि अभी मैंने लास्ट में एक शॉर्ट में आपको बताया था कि जो पीएचडी का जो मेन रिजल्ट आने वाला है, लाइक कोर्ट का, अभी हमारा रिजल्ट तो नहीं आ रहा। जो कोर्ट ने डेट दी थी कि इस तारीख पे हम बता देंगे आपको कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने उस डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया, जो कि 20 सितंबर थी, तो उसे आगे पोस्टपोन कर दिया है, जो कि दिसंबर में कर दी है 12 दिसंबर को, जो कि बहुत ही ज्यादा वाली बैड न्यूज है। इसीलिए क्योंकि 2023 पूरा तरीके से चला जाने वाला है कि आप लोगों की पोस्टिंग नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अभी तक बहुत बहुत ज्यादा चांसेस थे, सब लोग यही सोच रहे थे कि अब सितंबर में आ जाएगा जो भी अपडेट है, जो भी गवर्नमेंट चाहेंगी और जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो आ जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग वगैरह आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, रिजल्ट आ जाएगा। पर फाइनली कोर्ट ने बता दिया है कि आप लोग दिसंबर तक किसी तरीके का कोई ऐसा वेट ना करें कि बीच में कभी आ सकता है। उन्होंने डायरेक्टली डेट दे दी है और ये डेट्स चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसा कोर्ट की होती है और वहाँ के अपने केसेस अलग होते हैं, तो इन्होंने सिर्फ डेट पोस्टपोन की है। इसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं दिया है कि क्या होगा, मतलब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। देन अदर जो कॉलेजेस का चल रहा है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनका जो भी चल रहा है, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस कारण चाहे वो प्राइवेट वाला बच्चा हो, चाहे अपना गवर्नमेंट वाला बच्चा हो, सभी लोगों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा नाइंसाफी टाइप काम हो रहा है। क्योंकि हमारे पास जो गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी कितने, मतलब लाइक 2 से 3 साल होने वाला है कि उनके कोई एग्जाम नहीं हुए, ना फर्स्ट ईयर ना सेकेंड ईयर, वो थर्ड ईयर की स्टडी स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत सारे प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं जो कि फोर्थ ईयर है, जिनका कंप्लीट होने वाला है, और ये सारा प्रॉब्लम आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा, आप लोग तो जो प्राइवेट वाले तो जेब से पैसा लगा रहे हैं लाखों का, तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं समझ आ रहा है कि कोर्ट जो है या हमारे गवर्नमेंट जो है इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि जो हमारा बच्चे हैं वही आगे भविष्य है, और यही सारा सब कुछ खराब हो रहा है। 2020 में हुआ था वही 2023 में फिर से हो गया है, जैसा कि कोविड के टाइम हुआ था। इस टाइम तो कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं थी, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है, तो अब देखते हैं कब तक सही होगा। सो शायद 2024 से ही हमारा पीएचडी का जो भी सब कुछ गड़बड़ चल रहा है वो ट्रैक पे आ पाएगा, पर कुछ तब भी नहीं कह सकते ये जो हमने एग्जाम दिया है उसी का रिजल्ट आएगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो ओनली केस की हियरिंग का बताया है कि हम लोग इस टाइम पे करेंगे, पर उसमें रिजल्ट की बात होंगी या नहीं होंगी नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद इसमें प्राइवेट कॉलेजेस वालों का क्या होगा नहीं पता। इसके बाद आप लोगों के जो एग्जाम्स अभी तक पेंडिंग है वो किस तरीके से लिए जाएंगे, क्या किया जाएगा, इसका भी कुछ भी अता पता नहीं है। तो जिन लोग नर्सिंग में हैं और जो लोग नर्सिंग करना चाहते हैं, अभी दोनों भी स्टूडेंट जो है वो बीच मझधार में लाइक फंसे हुए हैं, जिनका निकल पाना तो मुश्किल है। जो लोग फंस चुके हैं उनका, उनको तो बस वेट करना है, पर जो लोग अभी भी जो इसमें नहीं फंसे हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अदर कोई ऑप्शन चूज करना है तो आप डेफिनेटली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे तो होंगे जिन्होंने कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लिया होगा, तो अपना ग्रेजुएशन साइंस में कंप्लीट होने दें, जो भी एग्जाम फॉर्म आ रहे हैं उसे भरे, उसका एग्जाम दे। जैसा कि हमारा नीट का एग्जाम हो गया जो होते ही रहता है, यानी इसकी करेक्ट डेट होती है, तो आप उसके लिए तैयारी करें, क्योंकि उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसमें ऐसा होता है कि आप नर्सिंग में हायर मेडिकल कॉलेज से भी नर्सिंग कर सकते हो, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर ले। इसके बाद आपका एम्स एग्जाम तो है ही, एम्स कभी धोखा नहीं देता है अभी तक जिस तरीके से देखा है, तो आप लोग एम्स के लिए भी तैयारी कर सकते हो, और जो भी आप लोगों को बाकी आपकी जो भी चॉइस हो। तो ये तो क्लियर है कि अभी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अपना जो भी गोल है, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड या अदर भी, उसके लिए प्लीज़ प्रिपरेशन अभी से रेडी रखें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आने वाली है इन फ्यूचर अभी और। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।